हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। विशिंग यू आर वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। सो एक खुशखबरी है तुम सबके लिए, तुम प्यारे बच्चों के लिए, कि हमारे पेपर पोस्टपोन हो चुके हैं। वो भी कब से होंगे? हमारे 4 मई से। ठीक है, पेपर कब से होंगे हमारे? 4 मई से 10 जून तक। ओके, एंड रिजल्ट कब आएगा हमारा? 15 जुलाई तक बोला है अभी। देखो ये चेंज होगा, अब तो मुझे लग नहीं रहा कोई पॉसिबिलिटी चेंज होंगे। और जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं वो होंगे हमारे 1 मार्च से। ठीक है, सो हमारे 4 मंथ्स है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि तुम्हारी पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th की हम कंप्लीट कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में एटम्स एंड न्यूक्लियस में डिस्कस किया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्कस किया था हमने। वी हैव डिस्कस अबाउट रदरफोर्ड मॉडल, द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड वी डिड आर डेरिवेशन ऑल्सो, है ना, जो हमारे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू निकाली थी। सो आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद इट, है ना। इन द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट, ग्रिगर एंड मार्सडन कैलकुलेटेड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द गोल्ड न्यूक्लियस, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 79। गोल कितना होगा? 79। ऑफ अ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्स इट डायरेक्शन, वट इज इट्स वैल्यू? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है बोर्ड्स के अंदर, एक चीज बिल्कुल मतलब गांठ बांध लो कि तुम्हें जो गिवन है वो लिख दो। आई एम डैम श्योर तुम्हें यदि तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता है, तुम्हें उस गिवन वैल्यू के मार्क्स मिल जाएंगे और सबको स्टैंडर्ड वैल्यूज में कन्वर्ट कर दो। तो ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, चौकोस पॉइंट लगा लो, लिखवा लो ये चीज मेरे से। देखो लिखवा क्या लो, मतलब ये बात को मान लो बस तुम, है ना। सो हमें क्या दे रखा है? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें एनर्जी देखा तो इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है विद 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले हम मेगा को कन्वर्ट करेंगे 10^6 में, तो हमने 10^6 कर दिया इसको, इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × −19। तो इनको हमने ऐड कर, इनको जब इनटू सॉल्व करेंगे 10^-19 +6 हो जाएगा विच 10^-13। डायरेक्ट हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, कोई डाउट इसके अंदर? तो हमारी एनर्जी क्या आ गई? 1.2 × −12 जूल। वेरी इजी, वेरी बेसिक। Z79 होता है किसके लिए? गोल्ड के न्यूक्लियस के लिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 × −19। पुट कर दो वैल्यू, D इज इक्वल टू 1/4π0 2ZE²/½mv², हमने पिछले वीडियो में ड्राइव किया था, कोई डाउट? तो देख वैल्यू पुट कर दो, तो 2 × Z कितना है? 79 × E कितना है? 1.6 × −19 का होल स्क्वायर अपॉन 1.2 × 10^-12 जूल। ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा डेट विल बी ऑन मीटर। कोई डिस्टेंस बोल रहे हैं हमें निकालने के लिए, सबको सॉल्व करेंगे हम, 9 × 10^9 हो गए वाली वैल्यू हमारे पास, इंटू 2 × 79 × 1.6 × −19 होल का स्क्वायर अपॉन 1.2 × 10^-12। तो हमें सॉल्व करेंगे, डी कितना आएगा हमारे पास निकल के? 3.0 × 10^-14 मीटर। इसको कह सकते हैं हम 30 फर्मी, मतलब 30 × 10^-15। बोला कि 1 फर्मी = 10^-15 होता है। वेरी इजी, वेरी बेसिक। देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आई एम डैम श्योर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आएंगे। और गट फीलिंग भी कह रही है, देखो तुम्हें वैल्यू और दे रखी होंगी, तुम्हें वैल्यू बस पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। वेरी इजी, है ना। जब दी हमें 3 आ गया, 10^-14 आया, इसको हमें −15 कर दिया, तो 30 फर्मी इज योर आंसर। फर्मी याद रखना, फर्मी इज योर 10^-15, याद रखना ये चीज। इन अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड अ गोल्ड न्यूक्लियस, द क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस अप्रोच इज फाउंड टू बी 4 × −14। कैलकुलेट के ई, के ई निकालना है, ठीक है, और डी दे रखा है, मतलब डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच दे रखा है। क्या फॉर्मूला हमारे पास? डी दे रखा है हमें, जेड दे रखा है फॉर गोल्ड न्यूक्लियस के लिए, है ना। एंड वी हैव काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारे पास, तो कितना हो गया? 2ZE²/4πε0 × D। तो के ई कितना हो गया हमारे पास? इज इक्वल टू 2 × 79 × 1.6 × −19, है ना, ये की वैल्यू होगी इसका स्क्वायर, कोई डाउट? इंटू 9 × 10^9, जो इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की, अपॉन 4 × 10^-14, जो हमारी वैल्यू होती है डी की, जो दे रखी है हमें क्वेश्चन। सॉल्व करना, कितना आंसर आएगा? वी गेट 9.1 × 10^-13 जूल। सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर यही आना चाहिए, ठीक है, बस वैल्यू सॉल्व भी तो करनी है इसके बाद। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें लगता है बोर्ड्स में ऐसा पूछ सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, बिल्कुल सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है और हमें सॉल्व करना है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा 1 मार्कर में आ सकता है, या फिर तुम्हारे अल्फा स्कैटरिंग जब पूछेंगे ना पूरा, उसमें ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं, एक ये आदत होती है बोर्ड्स की, ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू एल्फा पार्टिकल ईच ऑफ काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर फायर अलॉन्ग द हेड ऑन कोलिजन डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. मतलब जैसे कोई अल्फा पार्टिकल इसको हमने आपस में कोलाइड किया, यहाँ पे आ रहे हैं, कोलाइड किया, ठीक है, तो हमने बोले दिस इज क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है हमें. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कोलाइड कर नहीं पाएंगे बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये हमारा जो पैसा ये भी पॉजिटिव है. एक टाइम तक आएंगे, उस पर टाइम की बोल रहे, जब उस टाइम पे आएंगे उस टाइम पे कितना उसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच होगा, वेरी इजी. तो हमें ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दोनों आ रहे हैं यहाँ से, इधर से ये भी आ रहा है इधर से ये भी आ रहा है, 2 × KE = PE हो गया. 2 × KE कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 × 10⁻¹, ये हमने 3 × 1.6 हमने इसे कन्वर्ट कर दिया जूल में, 9 × 9 = 4E² / D, ठीक है. तो वैसे पढ़ने के तो के Q1 Q2 / R होती है, तो K कितना हो गया × Q1 कितना है, दैट इज योर 2E × 2E, दोनों हमने दोनों का वो ले दिया चार्ज, अपॉन R, है ना, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. कितना आ गया हमारे पास, 2 × 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ − 19 = 9 × 10⁻¹⁹ × 4 × E² / D. कोई डाउट, D वहाँ पे ले जाओ, एक इससे ये कट जाएगा, दैट विल बी योर 9 × 10⁻¹⁹ × 4 × 1.6 − 19 अपॉन 2 × 3, वेरी इजी. तो 3 × 3 = 2, 2 = कितना हो गया हमारे पास, 6 × 1.6 × 10⁻¹⁹ − 10, विच दैट इज इक्वल टू 9.6 × 10⁻¹⁹ − 10 मीटर. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो कोई डाउट, अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे बोहर के पोस्टुलेट्स क्या आते हैं, और वी विल डिस्कस अबाउट रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी. सो स्टे कनेक्टेड, पढ़ाई पूरी. अब देखो न्यू ईयर आ चुका है, तो हमने प्रॉमिस किया था हर दिन हम वीडियो अपलोड करेंगे. तो अब ध्यान रखना कि तुम जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ करते रहो. तो स्टे कनेक्टेड, पढ़ाई पूरी. एट लास्ट आई वुड लाइक टू से #पढ़ाई पूरी. जो भी तुम्हें डाउट है, जो भी तुम्हें क्वेरी है बेस्ड ऑन दिस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, तुम मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे पूछ सकते हो, ट्विटर पे पूछ सकते हो, और स्टे कनेक्टेड पढ़ाई पूरी और कमेंट सेशन में भी तुम पूछ सकते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर इन द कमेंट सेशन. एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, सो दैट जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी है तो उनके लिए आई स्पेशली मेड दिस चैनल. सारे नोट्स हमने इस तरह लिखे हैं, तो तुम जो भी तुम्हें क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो उससे मेरे से कनेक्ट रहो पढ़ाई पूरी के साथ, है ना. तो स्टे कनेक्टेड पढ़ाई पूरी. So at last, a very happy new year. Stay safe, be safe, all the best for your boards. Thank you. So guys, like and subscribe to my YouTube channel.